कैंट रेलवे स्टेशन से ये तस्वीर आई है, जहां पर एक बच्चे का हाथ एस्केलेटर में फंस गया, जिससे पूरे प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच गया और इस बच्चे का हाथ काफी देर तक इस एस्केलेटर में फंसा रहा। आप देखिए, आसपास में भी कुछ लोग आपको मौजूद नजर आ रहे होंगे जो इस बच्चे का हाथ निकालने की कोशिश लगातार करते रहे, लेकिन वो कोशिश नाकाम होती रही। हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि रेलवे प्रशासन इस दौरान हरकत में नहीं आया। बच्चा और उसके माँ बाप मथुरा से आगरा पहुँचे थे, जहाँ ये पूरा हादसा हुआ। हादसे में बच्चे के हाथ में काफी चोट आई। उत्तर प्रदेश के आगरा से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जो बच्चा बहुत ही बुरी तरह से रो रहा है, क्योंकि इसका हाथ जो है एस्केलेटर में फंस गया। बच्चे शरारती होते हैं, मनमानी करते हैं, और उसी शरारत के चलते इसका हाथ इस एस्केलेटर में जा फंसा, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही इस बच्चे का हाथ यहां से निकालने को लेकर। लेकिन हैरान करने वाली बात रेलवे प्रशासन की है, जो इस दौरान हरकत में कतई नहीं आया। रो रहा है बच्चा, भी लग रहा है क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह से इस एस्केलेटर में फंसा हुआ है। हर माँ बाप के लिए बेहद जरूरी खबर है, ध्यान से देखिए, क्योंकि हर बच्चा शरारत करता है, मनमानी करता है, जिद करता है, और उसका परिणाम कुछ इस तरह से बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन आप देखिए, रेलवे प्रशासन की तरफ से इसके ऊपर कोई हरकत नहीं की गई, ये हैरान कर देने वाली बात है।